वेलकम टू दिस सेशन, दिस इज प्रीतम कुमार एंड मैं आपको पढ़ाता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर मेंस एज वेल एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी फॉर द फ्री लेक्चर्स, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ डेटा रीजनिंग एंड क्वांट्स। ऑल्सो आई एम द टॉप 25 एजुकेटर्स ऑन द अन अकेडमी, जो कि आपको बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं। तो डो नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन यूट्यूब एज वेल एज। सब लोग तैयार है ना? चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोला हुआ है। मैनेजमेंट टीम ऑफ बैंक एंड डेटा हाउस, आप लोग को पता होना चाहिए बैंक एंड डेटा हाउस इज द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल, तो ये ऐसे ही मैंने अपने नाम पे क्रिएट कर दिया क्वेश्चन। मैनेजमेंट टीम ऑफ बैंक एंड डेटा हाउस हैज 12 एम्प्लॉइज, 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर। सर गूगल से ट्रांसलेट हो जाता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं ट्राई करूंगा, ट्रांसलेट हो जाएगा तो अगली बार से मैं ट्राई करूंगा। चलिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में सर? सर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक एंड डेटा हाउस कंपनी में टोटल 12 लोग काम करते हैं, 3 डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट कौन सा है? मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है और एचआर का डिपार्टमेंट है ना? सब लोग मुझे बताओ, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ या ना मुझे बताइए। क्वेश्चन जो मैंने पहले पहले के 2 लाइन पढ़े हैं उसमें क्या लिखा हुआ है सर? कि 3 डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर, और हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं? कितने लोग काम करते हैं डिपार्टमेंट में? 4 लोग काम करते हैं सर, हर डिपार्टमेंट में 4 लोग काम करते हैं। मतलब 4 लोग यहाँ काम करेंगे, 4 लोग यहाँ काम करेंगे, 4 लोग यहाँ काम करेंगे, टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 12 लोग हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ तक हो गया। ओल्डेस्ट एम्प्लॉय इन 62 ईयर ओल्ड एंड इज एम्प्लॉय ऑफ एचआर टीम। जो सबसे बड़ा एम्प्लॉय है, मतलब एज के हिसाब से जो सबसे बड़ा है, उसकी एज क्या है? 62 ईयर्स का एज है और वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है? एचआर में काम करता है। तो मैंने यहाँ पे 62 ईयर लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया मुझे बताइए। जो सबसे ये डीआई है या फिर पजल डीआई है सर, सचिन जी, दिस इज अ डीआई, केसलेट डीआई सर, दिस इज अ केसलेट डीआई सर, ठीक है ना? तो मेरी बात सुनो ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैंने बोला आप लोगों को कि सर जो 62 साल का बंदा है वो एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है। सब लोगों को क्लियर हो गया मुझे बताइए, हाँ या 62 साल का जो बंदा है, जो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट एज क्या है? 62 ईयर, और वो एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है। While youngest employee is 28 year old and he and she employ in marketing team। जो 28 साल का बंदा है वो मार्केटिंग टीम में काम करता है और वो सबसे छोटा है। सबको समझ में आया, हाँ या ना बताओ मुझे? 28 साल का बंदा सबसे छोटा है और वो मार्केटिंग टीम में काम करता है। यहाँ तक सबको क्लियर है तो मुझे एक बार थम्स अप चाहिए, आप लोगों से कंफर्मेशन चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि देखो केसलेट डीआई में अगर लाइन टू लाइन समझ में नहीं आएगा देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम अंडरस्टैंड करें, ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी तक क्या हुआ है क्वेश्चन में सर? बैंक एंड डेटा हाउस कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। हर डिपार्टमेंट में 4 लोग काम करते हैं और जो 62 साल का बंदा है वो सबसे बड़ा है, एचआर में काम करता है। 28 साल का बंदा सबसे छोटा है और वो मार्केटिंग में काम करता है। आगे देखो, एवरेज एज ऑफ होल मार्केटिंग टीम इज सेम। एवरेज एज ऑफ होल मार्केटिंग टीम, अरे अगर मार्केटिंग टीम का मैं यहाँ पे एवरेज एज लिख लेता हूँ, एवरेज एज मान लो एक्स होगा, तो किसके साथ सेम है सर? एज इंडिविजुअल एज ऑफ 2 ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब इसके 2 एम्प्लॉइज के इंडिविजुअल एज के बराबर। एवरेज एज ऑफ होल मार्केटिंग टीम इज सेम एज द इंडिविजुअल ऑफ 2 ऑफ इट्स एम्प्लॉय, 2 ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, 2 एचआर डिपार्टमेंट में, एंड 1 एम्प्लॉय फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये समझ में आया लाइन सबको? बताइए सर, ये क्लास वापस देखने के लिए कहाँ मिलेगी आपको? मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगी या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, वहां पे मिल जाएगी।
आप ऐप खोलो, मेरा नाम सर्च करो, स्पेशल क्लास के अंदर जाओ, ऑल सेशंस खोलो, वहां पे आपके सारे के सारे सेशन मिल जाए। ये वाला पॉइंट किस किस को समझ में आया? यहाँ पे बोला गया था एवरेज एज ऑफ होल मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग टीम का एवरेज एज। मैंने मान लिया कि एवरेज एज जो है मार्केटिंग टीम में काम करने वालों का एक्स है, कितना है? मार्केटिंग टीम में काम करने वालों का एवरेज एज कितना है? एक्स है। और ये किसके बराबर है? इज सेम एज इंडिविजुअल एज ऑफ टू ऑफ इट्स एम्प्लॉय, मतलब इसके एम्प्लॉय के दो इंडिविजुअल एज, मतलब मान लो एक बंदा यहाँ होगा, एक बंदा यहाँ होगा, एक्स और एक्स होगा। टू एम्प्लॉयज ऑफ एचआर टीम, दो एम्प्लॉयज एचआर टीम में सेम एज के होंगे। एंड वन एम्प्लॉय इन फाइनेंस टीम, और एक एम्प्लॉय जो होगा फाइनेंस टीम में, ये सारे एक एज के। समझ में आया? आप मुझे बताइए सब लोग, आपको बोला गया था कि एवरेज एज मार्केटिंग टीम का जितना है उतना ही एज दो मार्केटिंग टीम में काम करने वाले लोगों का है, फाइनेंस में एक का है, एचआर में दो का है। सबको समझ में आया वाला लाइन? क्लियर है सबको? लेट मी नो कि क्लियर है सर, क्लियर है सर। चलिए आगे चलते हैं, किसी को डाउट तो नहीं है ना? जितने लोग देख रहे हैं मुझे बताओ, डाउट तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, ठीक है, आगे चलते आगे चलते आगे चलते। देखो क्या बोला है, आगे बोला है एवरेज एज ऑफ फाइनेंस टीम इज 12.5% मोर देन द एवरेज टीम ऑफ एज ऑफ एचआर टीम। कह रहा है कि जो फाइनेंस टीम है उसकी जो एवरेज एज है वो 12.5% ज्यादा है। इसका मतलब सर 112.5% है किसके? एचआर टीम के एवरेज एज के। मुझे बताओ समझ में आया यहाँ तक क्या लिखा मैंने? एवरेज एज ऑफ फाइनेंस टीम जो होगा वो 12.5% ज्यादा होगा किससे? एवरेज एज ऑफ एचआर टीम। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर आप एवरेज टीम का एवरेज एज का फाइनेंस रेशियो में एचआर बनाओगे तो क्या बनेगा मुझे बताओ? सर ये कट जाता है 25 से 9 बारी में, ये 25 से 8 बारी में कट जाता है ना, ना? तो सर रेशियो क्या आ जाएगी? 9:8। एम आई क्लियर? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? सुमन ही सिंह रिपीट कर दिए। सुमन इसको 2.5 से कटा लो, इसको 2.5, ये दशमलव हटा दोगे नीचे हजार हो जाएगा, 25 से 8 बारी में जाएगा, 25 से ये 9 बारी में जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए 12.5 की वैल्यू 1/8 होता है, और 1/8 मोर का मतलब 1/9 हो जाएगा सीधा। यहाँ से भी पता होना चाहिए आप लोग, सबको पता है ना 12.5 का मतलब 1/8 होता है, और 1/8 मोर का मतलब क्या होगा? 1/9 ही होगा ना, 9/8। क्लियर है सबको यहाँ तक? एक बार थम्स अप हो जाए अगर क्लियर है तो। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ भी रहे होंगे और मुझे बताएंगे भी साथ के साथ कि सर जो आप बोल रहे हो समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे आसानी से आप लोगों को चीजें जो है मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो सब लोग रिस्पॉन्स जरूर कीजिए, सबको समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। तो अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, किसकी बात करूं? फाइनेंस की बात करूं, तो फाइनेंस में एवरेज एज कितना हो जाएगा? मैं 9y ले लेता हूं और इसको 8y ले लेता हूं, चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे बताओ? समझ में चलेगा ना? इसको अगर मैं वाई ले लूं, इसको भी वाई ले लूं, क्योंकि एक्स हमने पहले ही लिया हुआ है, तो इसलिए 9:8y ले लिया मैंने। सबको समझ में आया एवरेज एज? सबको क्लियर है? मुझे बताइए हाँ या ना बताइए। मैंने क्या किया, जो हमारे पास रेशियो आया था उसको कन्वर्ट कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, इसको मिटा दूं, अभी हमारे किसी काम का नहीं आई, अभी हमारे किसी काम का नहीं है, इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए तो आपको ना ऐसे ही केस लिए डीआई सॉल्व करना होता है, बड़े आराम से समझ के। आगे देखो क्या लिखा है, आगे बोला गया है वन एम्प्लॉई ऑफ एचआर टीम इज 8 ईयर ओल्डर देन अदर टू। दो से, अच्छा मुझे बताइए एक बार आप लोग,
यहाँ पे बोला गया है कि एक एम्प्लॉई एचआर टीम का ऐसा है जो कि दो एम्प्लॉई से 8 साल ज्यादा है, मतलब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो मुझे बताइए। सर 62 प्लस 8 क्यों नहीं किया आपने मुझे बताओ। अरे भैया चार लोग हैं, इन चार लोगों में एक बंदा 62 साल का है, एक एक्स का है, एक एक्स का है, ये सबसे बड़ा है, आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा है, तो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, मतलब इसी से बड़ा होगा एक्स प्लस 8। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स प्लस 8 क्यों लिया, समझ में आया हाँ या ना बताओ मुझे। सब लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन जो है थोड़ा पजल भी मिक्स है, थोड़ा डेटा भी मिक्स है और है मैथ्स का। जसकिरण इसे रिपीट कर दो। जसकिरण अगर मान लो चार लोग हैं एचआर डिपार्टमेंट में और इनमें से एक 62 साल का है और ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो दूसरे वाला क्या है, एक्स साल से 8 साल बड़ा है, ऐसा बोला गया। वन एम्प्लॉय ऑफ एच आर इज 8 ईयर ओल्डर देन अदर टू। निशा अदर टू बोला हुआ है, दोनों का सम का नहीं बोला हुआ है, अदर टू से, अदर टू से मतलब जो बचे हुए दो हैं उनसे 8 ज्यादा है, मतलब जितने के वो एज होंगे उनसे 8 ज्यादा होगा, 2x नहीं होगा। अगर सम ऑफ देयर एज का 8 ज्यादा बोलता तब बोलते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ या ना बताओ मुझे, यहाँ तक सब लोग क्लियर है। अरे सर आप लोगों का मुझे चाहिए, हाँ या ना चाहिए, नहीं तो मुझे ना यहाँ पे डाउट रहेगा कि आप लोगों को पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, यहाँ तक मैं डाल दूँ ना जी सर, क्लियर है सर। देखो क्वेश्चन जितना समझदार है ना, कितना मजेदार क्वेश्चन है, अगर आप इसको अकेले बैठ के करोगे तब समझ में आएगा। क्या कह रहे हो, अगर सर थर्ड प्लेस पर एक्स नहीं होता तो, ये प्लेसेस का कुछ नहीं करना है, प्लेसेस का कुछ नहीं करना है जी, चार लोग हैं कहीं भी हो सकते हैं, चार लोग, प्लेस कुछ नहीं है, ये टेम्पररी एज लिख रहा हूं मैं, कोई भी कहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये टेम्पररी एज लिख रहा हूं मैं, दिस इज एजिस, ये एजिस है जी, इसका कुछ नहीं करना है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोला है, टू एम्प्लॉइज इन फाइनेंस टीम हैव सेम एज एज द एवरेज ऑफ यंगेस्ट एंड एल्डेस्ट एम्प्लॉय ऑफ बैंक एंड डेटा हाउस। बैंक एंड डेटा हाउस का सबसे बड़ा एज कितना था और सबसे छोटा एज कितना था, इसके एवरेज के एज के बराबर कितना आएगा, 45। दो एम्प्लॉय है किसमें, फाइनेंस में। सबको समझ में आया हाँ या ना मुझे बताओ। आपसे बोला गया है दो एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट में सेम एज के हैं और उनका एज एवरेज ऑफ यंगेस्ट एंड एल्डेस्ट एज के बराबर है, तो एल्डेस्ट एज 62 था, यंगेस्ट 28 था, एवरेज निकाला 45 आ गया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में दो लोग 45 साल के भी काम करते हैं, हाँ या ना बताइए, समझ में आया। समझ में आ गया सर। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको शायद ही कोई लाइव सेशन में कराने का रिस्क लेगा, तो अगर मैं कुछ लेके आता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए सुनते जाइए, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है सर। आगे देखो क्या लिखा है, आगे देखो क्या लिखा है, सुन लो एक बार सर, रिपीट कीजिए, ट्विंकल इज सेइंग रिपीट कीजिए। ट्विंकल यहाँ पे बोला गया है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें दो लोग ऐसे हैं जिनकी एज मार्केटिंग टीम का एवरेज कितना दिया हुआ है, सब लोग मुझे बताओ, एक्स दिया हुआ है, ही चिंता मत करो। आगे देखो क्या लिखा गया है सर, आगे की लाइनें थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एवरेज एज ऑफ फाइनेंस टीम, सर एवरेज एज ऑफ फाइनेंस टीम की बात हो रही है, 50% मोर का मतलब 150/100 देन द मार्केटिंग टीम, एवरेज एज ऑफ मार्केटिंग टीम। यहां तक समझ में आया मैंने क्या बोला, सर एवरेज एज जो मार्केटिंग टीम का है वो 150% है एवरेज एज ऑफ फाइनेंस टीम के। यहां तक समझ में आया मुझे बताइए, मुझे समझ में आया मुझे बताइए आप लोग, ठीक है सर। अच्छा मुझे बताओ एक बात बताओ, मार्केटिंग टीम का एवरेज कितना दिया हुआ है, मार्केटिंग टीम का एवरेज कितना दिया हुआ है, मार्केटिंग टीम का एवरेज कितना दिया हुआ है, सब लोग मुझे बताओ, एक्स दिया हुआ है, एक्स का, एक्स को मल्टीप्लाई करना 150/100, 3/2 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी मुझे बताओ, 1.5x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा ना,
तो ये 1.5x किसके बराबर दिया हुआ है मुझे बताओ सब लोग। सर 1.5x जो वैल्यू निकली है वो 9y के बराबर है, तो मैं इस 9y को मिटा के इसकी जगह पे 1.5x लिख रहा हूं मैं अब, ताकि सबकी यूनिट सेम हो जाए। ठीक है, अब अगर 1.5x की वैल्यू 9y है तो 8y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या मुझे बताओ। सर 1.5 डिवाइड बाई 9 इंटू 8 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 105 नहीं है, 1.5x है, 1.5x है ये, दिस इज नॉट 105, ये आपका आया 1.5x, यस और नो? ये समझ में आया कहां से आई? 1.5 है, 1.5 क्या बोला गया था कि मार्केटिंग का जो एवरेज एज है विच इज एक्स, उसका 3/2 एवरेज एज ऑफ फाइनेंस टीम है, तो एवरेज एज ऑफ फाइनेंस टीम कितना निकल जाएगा सर 1.5x। इसका मतलब 9y की वैल्यू 1.5x थी, 8y की वैल्यू 1.5 डिवाइड बाय 9 इनटू 8 करेंगे कितना आएगा सर मुझे बताइए ना। 3 से 5 बारी में, 3 से 4 बारी में, 3 से 3 बारी में सर ये आ जाएगा 4.3x, कितना आ जाएगा 4.3x। पॉइंटों में मत लिखो, पॉइंटों में मत लिखो, इसका मतलब इसकी जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ 4π3x। क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है जितने लोग देख रहे हैं? सबको समझ में आया क्या मुझे बताओ सब लोग, हाँ या ना? डेटा हमारा यहाँ पे डिकोड हो चुका है सर, डेटा हमारा डिकोड हो चुका है, अब हमें करना है सॉल्व। सर हाउ 1.5 इज 9y? अरे आपको यहाँ पे बोला गया था इस लाइन में, मैं आपको देखो हाईलाइट करके दिखाता हूँ, एवरेज एज ऑफ फाइनेंस टीम, एवरेज एज ऑफ फाइनेंस टीम कितना था सर? एवरेज एज ऑफ फाइनेंस टीम 9y था, इज इक्वल्स टू 50% मोर देन, 50% मोर का मतलब 3/2 ऑफ एवरेज एज ऑफ मार्केटिंग जो कि x था, तो 9y की वैल्यू यहाँ पे 1.5x निकाली मैंने इस वाले स्टेटमेंट से निकाली, ये वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, समझ में आ गया ही ना? क्लियर है अब सबको? यहां तक क्लियर है? कुछ रिपीट तो नहीं करना ना? चलो क्लियर है तो आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं। चलिए ओके 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 ठीक है, क्या करेंगे अब सर, क्या करेंगे मुझे बता सकता है कोई? सर 62 प्लस में x 8 प्लस x किसके बराबर होगा सर? सर 4/3x इंटू में 4 होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। सर ये क्या है? ये है एवरेज एज होगा, क्या होगा एवरेज एज, इसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ पर्सन से सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा टोटल एज आएगा। जसकिरण कह रही है एक बार बताना, जसकिरण क्या बताना है मुझे रिपीट करो एक बार, मुझे बताओ ना, जो ये एज है 62 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 8 ये टोटल एज है, एंड टोटल एज किसके बराबर होता है? एवरेज एज मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ पर्सन, 9y वाला, 9y वाला। जसकिरण यहाँ पे बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ, किस कैसे आ रहा भैया? मनीष जी मेरी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे प्रोफाइल से, नहीं तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपके सारी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अरे भैया एक्स की वैल्यू 30 आ गई सबकी, 21 कैसे आ रही है? करना क्या है, 16 में से 9 जाएगा, 7x बचेगा, 7x की वैल्यू 210, एक्स की वैल्यू 30, समझ में आया कि नहीं आया? वाई एक्स की वैल्यू 30 आ गई ना, क्लियर है सबको? ठीक है ठीक है ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 30 आ गई है सर, तो ये वाली वैल्यू भी 30 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 30 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 30 हो जाएगी सर, ये वाली वैल्यू भी 30 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी 30 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 30 हो जाएगी, ये 38 हो जाएगा सर। सर ये 30 है तो ये 45 हो जाएगा 1.5x, ये 30 है तो यहाँ पे कितना आएगा 32 साल आएगा। अच्छा मुझे बताओ 32 साल कैसे लिखा मैंने, 32 साल कैसे लिखा मैंने,
32 साल मैंने ऐसे लिखा, ये अगर एवरेज एज 30 है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120 बनेगा। अब 120 में से ये तीनों वैल्यू माइनस कर दोगे तो 32 बचेगा। या सिंपल सोचो, अगर सबका 30-30 है, ये 30 है ये 30 है, इसका 30 बनाने के लिए 2 देना पड़ेगा, इसका मतलब ये 32 होना चाहिए, तभी तो सब 30 बनेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर ये 30 है, ये 30 है और ये भी 30 बनाना पड़ेगा तो 2 इसको और देना पड़ेगा, इसका मतलब जो बचा हुआ पर्सन है उसके पास 32 होना चाहिए, तभी तो 2 उसको देगा, तो सब 30-30-30 हो जाएंगे। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हाँ ना तो बोल दो। ठीक है, अच्छा ये 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, क्योंकि इसके पास से 15 निकाल के फाइनेंस वाले को देंगे। तो हमारा टेबल सॉल्व हो चुका है, सबको समझ में आ गया तो मुझे बताओ यस सर और नो सर।